जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रारूढं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं श्रीमान्भस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमायाप्रदीपा समन्ततोद्योतयते भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ पांचवा परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है। पेज नंबर है 40। पांचवा परिच्छेद पेज नंबर 40। मूल कथा यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की चल रही है जो धर्म मार्ग पर लगा हुआ है और अपने दोस्त को भी धर्म मार्ग पर लगाना चाह रहा है। वे दोनों मिलकर के कहाँ आए हैं? पाटलिपुत्र में आए हैं, जिसे धर्म नगरी माना जाता है, धर्म नगरी समझा जाता है। वो चाहता है कि उसकी मित्र की आंखें खुलें, है ना? और आंखें खुलने का मतलब तो आप सभी समझते हैं क्या होता है, माने सत्य स्वरूप उसके समक्ष आए। इसके लिए वो अपने मित्र को जहां बहुत ब्राह्मण धर्म करते हैं ऐसी ब्रह्मशाला में लेकर के आया और फिर अपनी बात उन्होंने रखी। जब मनोवेग अपनी बात रखते हैं तो सामने जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो डिफेंड मोड में आ जाते हैं कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, आपने हमारे ग्रंथों में ऐसा क्या पढ़ लिया, आप बताइए। इस पर मनोवेग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ये 10 में से कोई भी एक प्रकार का मूर्ख होता हो तो उसके सामने अगर हम सही बात भी बोल दें तो भैया आफत ही आती है हमारे को, तो हम तो नहीं बोलेंगे। कौन से 10 मूर्ख होते हैं? तो 10 मूर्खों के यहाँ नाम बताए गए, जिसमें से पहले बहुधान्यक मूर्ख की कहानी यहाँ चल रही है, जिसकी दो बीवी है, एक का वो त्याग कर देता है और दूसरी जो युवा पत्नी है उसको वो ग्रहण करके उसमें अनुरक्त रहता है। हमने ये देख लिया था कि उसकी जो युवा पत्नी है उसने उसको धोखा दिया, उसको चीट किया और अन्य पुरुषों के साथ मिलकर के अपना सारा धन, सारा वैभव, सारा शील, देखो इम्पोर्टेंट तो शील है, धन और वैभव तो दोबारा भी कमाया जा सकता है, लेकिन वो सारा शील जो है उसने और उसकी जो सारी सुरक्षा है और सारे धर्म जो है, अच्छी अच्छाई जो है, वो सारी उसने लुटा करके उन जार पुरुषों में बांट दी और बिल्कुल भी अंधी होकर के ये विचार नहीं किया कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जब पति के आने का समाचार उसको प्राप्त हुआ तो पत्नी के आने का समाचार सुनकर ही जब पति ने भोजन बनाने की बात कही तो चूंकि उसके पास कोई सामग्री ही नहीं थी, इसलिए उसने जो आने वाला व्यक्ति था उससे कहा कि बड़ी वाली जो पत्नी है उनके पास जाइए, क्योंकि सज्जन पुरुष कभी क्रम भंग नहीं करते। मैंने कितनी अच्छी नीति की बात बताई, है ना? लेकिन अच्छी बात भी बुरे लोगों के मुंह से शोभायमान नहीं होती, है ना? बस यही बात है। तो यहाँ पर भी यद्यपि नीति की बात है कि क्रमभंग नहीं करना चाहिए, सोचित ही है, लेकिन कुरंगी के मुंह से ये बात शोभायमान नहीं हो रही है, क्योंकि उसने कुत्सित अभिप्राय से भी तो ये बात कही है,
गलत अभिप्राय से ये बात कही है, कोई अच्छे अभिप्राय रख करके थोड़ी ना कही है, अपने पाप को छिपाने के लिए ये बात कही है। ठीक है, सारी बात होती है वो पूरी है, उसको कह देती है कि ठीक है तुम बना लो, हम उसके कहेंगे तुम्हारे घर पे खाना खाने आ जाएगा। जब पति वापस अपने घर में आता है तो उसको सिर्फ कुरंगी देखना है और आसपास सामान बचा के नहीं बचा इसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं जा रही है उसकी। कुरंगी को देख करके वो बहुत खुश हो रहा है, मानो उसको ऐसा लग रहा है कि वो चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त हो गया। लेकिन कुरंगी मुंह फैला के घूम रही है इधर उधर। क्यों मुंह फैला के घूम रही है, याद है आप लोगों को? क्योंकि अब वो इस बात का ड्रामा कर रही है कि यहाँ क्यों आ गए हो तुम, यहाँ क्यों तुम भोजन मांग रहे हो, हमसे क्यों कह रहे हो कि खाना दे दो, तुमने जहां पहले सूचना भिजवाई थी वहां जाके खाओ, हमारे पास क्यों आ गए, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी बात चलती है। फिर आचार्य यहाँ पर जो दुष्ट और कामुक स्त्री होती है उसका स्वरूप समझा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई बात सिंपल सी है, मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी एक दोबारा कहूंगा, मैं ना पुरुष हूं और मैं ना स्त्री हूं, लेकिन प्राप्त संयोगों के होने पर अगर मैं गलतियां करता हूं तो उसकी तो निंदा की जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? टोडामल जी का मोक्षमय प्रकाशक का उदाहरण ध्यान होगा, उन्होंने वहां ये कहा है कि अगर हम वैश्या सेवन की बुराई करें तो वैश्या को तो बुरा लगेगा ही, अगर हम मदरा सेवन के बारे में बुरा कहें तो जिनकी मदरा की दुकानें खोल रखी हैं उनको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन उनको बुरा लगेगा इस अपेक्षा से हम बुरी बात की निंदा ही नहीं करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मां यहाँ बात यह है, यहाँ स्त्री की बुराई नहीं चल रही है, स्त्री में जो दोष है उसकी बुराई चल रही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पुरुष में अच्छाई नहीं है, अगर किसी में गुण हो तो उसकी अच्छाई, बात गुण और दोष की है, सिंपल सी बात, अगर गुण हो तो अच्छाई की जाती है, अगर दोष हो तो बुराई की जाती है। यहाँ चूंकि कहानी में अभी कुरंगी जो पात्र है वो क्या है, स्त्री है, और उसके दोषों को यहाँ पे बताया जा रहा है। जब चारुदत्त की कहानी सुनाएंगे तब हम पुरुषों की विषय शक्ति के बारे में बताएंगे कि कितने मूड है, तो ऐसी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 40 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, उधर से पढ़ना अपन को शुरू करना है। स्त्री नीच रक्त पुरुष को जैसे जैसे रोकती है वैसे वैसे वह मेंढक की तरह उसके सम्मुख जाता है। ठीक है, इन सब चीजों में मैं ना एक्सप्लेन कम करूंगा और पढ़ता ज्यादा जाऊंगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने का ऐसा क्या है, मैंने बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं नहीं कहूंगा। विचित्र आश्चर्य को करने वाली स्त्री रक्त पुरुष को, रक्त पुरुष का तो भाव तो आप समझ रहे होंगे ना, रक्त पुरुष माने रागी जी, कामी जी। विचित्र आश्चर्य को करने वाली स्त्री रक्त पुरुष को कषाय सहित करती है और तत्पश्चात कषाय सहित पुरुषों के मन को शीघ्र ही अनुरंजायमान करती है। जिस प्रकार लोहार महाताप की योजना करके अग्नि में अतिशय तपाकर लोहे को तोड़ता है और उसे जोड़ता भी है, उसी प्रकार स्त्री प्रेम के नष्ट करने में समर्थ होकर उससे फिर से जोड़ भी लेती है। ठीक है, ये सारा स्वरूप है, आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार चूहा बिल्ली से भयभीत होकर अपने सब अंगों पांगों को संकुचित करता हुआ स्थित होता है, उसी प्रकार वह बहुधान्यक कुरंगी के इन वचनों को सुनकर अपने समस्त शरीर के अवयवों को संकुचित करता हुआ चुपचाप स्थित रहा। माने कुरंगी बोलती गई, बड़बड़ाती रही, मुंह फुलाती रही और बहुधान्यक उस बात को सारा चुपचाप सुनता रहा। मनुष्य वज्र एवं अग्नि की ज्वालाओं को सुख पूर्वक सह सकता है, किंतु स्त्री की भ्रकुटियों से भयंकर कुटिल दृष्टि को नहीं सह सकता है। बुलाई गई दुष्ट स्त्री महाविषैली सर्पणी के समान क्रोधित होकर दोनों भुजाओं को संकुचित करती हुई पुरुषों को फुंकार मारती है। पाप के उदय से उत्पन्न हुए इस प्रकार की दुष्ट स्वभाव वाली महिलाएं, ठीक है, यहाँ ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, किन किन महिलाओं को लिया जा रहा है,
जिनका स्वभाव दुष्ट है। ठीक है, तो दुष्ट स्वभाव वाली महिलाएं असाध्य रोग के समान पुरुषों को निरंतर कष्ट दिया करती हैं। और आप देख लो, सचमुच देखने में भी आता है प्रत्यक्ष, कि अगर पुरुष की धर्म की रुचि हो और पत्नी की धर्म की रुचि नहीं हो तो कितना मुश्किल हो जाता है जीवन जीना। वो कहे हमारे को थिएटर ले जाओ और उसका शिविर में जाने का मन हो, बोलो कितनी लड़ाई हो, कितनी तू तो मैं हो इस बात को लेकर ही, है ना। तो यहाँ यही बात कही जा रही है ना, निरंतर कष्ट दिया करती है, फिर निरंतर हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, तुमसे शादी करके हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई, नाना ने कौन सी अशुभ घड़ी थी, ये सब बातें कर करके कंटिन्यू कंटिन्यू, क्योंकि बार 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 कहते रहो और वो पुरुष जो है वो चुपचाप सुनते रहे। तो इस तरीके से ऐसे पुरुषों का जीना जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, है ना। उनको फिर समझ नहीं आता है कि हम तो शादी करके फालतू में फंस गए। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले ही सारी बातें ये सारी बात एटलीस्ट रुचि की बातें तो डिसाइड हो ही जाना चाहिए। ख्याल में आ रहा है, कोई भी हो, ऐसे उल्टा हो जाए पत्नी की रुचि हो बहुत धर्म की और परिवार वाले उसके ऐसे परिवार ऐसे लोगों के साथ शादी करते हैं, वो उसको आलू खाए रात में खाए, बोलो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसी बच्ची की या ऐसी लड़की की। पराधीन जीवन जी जी कर दिन जिंदगी भर अपने माँ बाप को कोसती रहेगी कि ना जाने क्या देख के शादी कर दी। इसीलिए बात ऐसे ही है कि दोनों ही तरफ से है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई दुष्ट स्वभाव वाली महिलाएं होती हैं तो वो ऐसे होती हैं जैसे कोई असाध्य रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं है। बहुत कह के करें चलो आप फिर भी घुमाने ले जाओ तो अगली बार किसी और बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर किसी और बात पर लड़ाई हो जाती है। इसे बोलते हैं इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, असाध्य। असाध्य समझते हैं आप लोग, है ना, जिसको साधा नहीं जा सके, जिसका इलाज नहीं किया जा सके, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो, ऐसा रोग। ठीक है, तो ऐसी बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हे पिताजी आओ भोजन करो। अब बोलो ये कौन बोल रहा होगा, पिताजी कौन पिताजी हैं ये, किसके पिताजी हैं आप भूल गए, बड़ी वाली जो पत्नी है, वृद्धा पत्नी है, क्या नाम था उसका, सुंदरी। तो सुंदरी के बच्चा भी था, है ना, तो वो यहाँ देखिए यहाँ कहते हैं, हे पिताजी आओ भोजन करो। इस प्रकार पुत्र के द्वारा आकर आदर पूर्वक बुलाए जाने पर भी वह बहु धान्य चुपचाप इस प्रकार बैठा रहा जैसे मानो वह चित्र लिखित ही हो, है ना। मैंने चित्र लिखित ही हो, मैंने जैसे चित्र में जो प्राणी बैठा होता है वो कैसे बैठा होता है, एकदम माने स्टैचू हो जाता है, उसको बुलाए तो आएगा नहीं, जाने के लिए कहें तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही वो बिल्कुल एकदम स्टैचू बन करके बैठ गया। क्यों बैठ गया, कुरंगी आज्ञा दे तभी तो कुछ करे, ऐसे चित्र लिखे धो करके बैठ जाते हैं। आगे देखो, अरे पाखंडी तूने यह क्या ढोंग प्रारंभ किया है, जा अपनी प्रिया के घर खा। ये कौन कह रहा है, है ना, ये कुरंगी कह रही है, किससे कह रही है, बहुधान्यक से कह रही है कि क्यों क्या ड्रामा कर रहे हो, ये क्या ड्रामा कर रहे हो कि तुमने सूचना वहां भिजवाई और खाना तुम हमसे मांग रहे हो। आपको ये प्रसंग समझ में आ रहा है, क्या बात है, कुरंगी बहुधान्यक से ये कह रही है, बहुत ड्रामेबाज निकले तुम तो, खाने की सूचना तो तुमने सुंदरी के यहाँ भिजवा दी और मेरे से कह रहे हो कि लाओ खाना दो। देखो, अरे पाखंडी तूने यह क्या ढोंग प्रारंभ किया है, जा अपनी प्रिया के घर पर खा। इस प्रकार कुरंगी के कहने पर वह भयभीत होकर सुंदरी के घर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देख लो, अब मूर्खी है बहुधान्य, इसलिए तो उसकी कहानी बता रहे। वहां अतिशय स्नेह करने वाली उस सुंदरी ने उसे अपने निर्मल अंतःकरण के समान विशाल एवं कोमल उत्तम आसन दिया। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। सुंदरी का मन कोमल था और सरल हृदय की थी और उसने अपने ही मन के समान एक बहुत विशाल और सुंदर आसन को बैठने के लिए दिया कि बैठो। अब अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। राग के वशीभूत होकर जो ताड़ना दे रही है ऐसी कुरंगी भी अच्छी लग रही है,
ठीक है, और मोहांध प्राणी जो सुंदरी जो इतनी आव भगत कर रही है, इतनी सेवा में तत्पर है, वो सुंदरी भी अच्छी नहीं लग रही। देखना भी कैसे कैसे वचन कहेगा। पश्चात उसने अर्थात सुंदरी ने उसके सामने अर्थात बहुधान्य के सामने थाली आदि अनेक प्रकार के बर्तनों को रखकर सुंदर यौवन के समान उत्तम भोजन परोसा। सुंदरी के द्वारा दिया गया भोजन उसको इस प्रकार से रुचिकर नहीं हुआ जिस प्रकार की, अभी सुनना, जिस प्रकार की विशुद्ध जिनागम के द्वारा दिए जाने वाला चारित्र अभव्य जीव के लिए रुचिकर नहीं होता है। समझ में आया? ये सिद्धांत समझ में, और दृष्टांत देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं। क्या दृष्टांत दिया कि कोई अभव्य जीव हो और अभव्य जीव को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उपदेश दिया जाए, संयम का उपदेश दिया जाए, तो बोलो उसे कैसा लगे? उसे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभव्य है ना, कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि अभव्य जीव कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए उसे जिनवाणी की बातें भी कैसी लगती हैं? अच्छी नहीं लगती। उसे नाचने में, गाने में, पार्टी करने में, घूमने में, फिरने में, कपड़े पहनने में, इन सब की बातों को सुनने में, करने में कितनी रुचि आती है, लेकिन धर्म की बात करने में उसको रुचि नहीं आती है। जैसे अभव्य जीव को चारित्र रुचिकर नहीं है, ऐसे ही यहां बहुधान्य को भी उस सुंदरी की बातें भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बातें तो अच्छी हैं, लेकिन अच्छी बातें भी उसे अच्छी नहीं लग रही। चारित्र का मार्ग वास्तव में तो जीव के लिए कल्याणकारक ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, क्योंकि चारित्र का भी अकेला नहीं होता। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों जीव के लिए हितकर है, सुख देने वाले हैं, लेकिन अभव्य जीव को ये बातें अच्छी नहीं लगती, नहीं सुहाती। और नहीं सुहाने का मतलब ही है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। आपको पता है श्रोता के स्वरूप में, भव्य के स्वरूप में बार बार यही कहा जाता है ना, जो बहुत आनंद से जिनवाणी की बात सुनता है ना, उसका मतलब अब अल्प भव रह गए, और जिसे जिनवाणी की बात नहीं सुहाती, इसका मतलब अभी बहुत समय लगेगा, अभी अभी मोक्ष की प्राप्ति अभी जल्दी नहीं है। अब बहुत समय का मतलब समझते हो? बहुत समय का मतलब है संसार में अभी और परिभ्रमण करना पड़ेगा। अभी ये जो दुखड़ा रो रहे हो ना, ये और रोना पड़ेगा, और चलता रहेगा, ये दुख की संतति चलती ही रहेगी। तो जैसे अभव्य जीव को जिनवाणी की बातें नहीं अच्छी लगती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें अच्छी नहीं लगती, और सुनो सुनो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आपको जिनवाणी की बातें अच्छी लगती है ना, तो ये गारंटी लिख लीजिए कि भव्य है। जिनवाणी में लक्षण ही यही कहा गया है, भव्य और अभव्य का। जिसे जिनवाणी की बात अच्छी लगती हो, वो प्रीति चित्त से सुनने वाली बात के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो जिनवाणी की बात को प्रीति चित्त से सुनता हो, आनंद आता हो, अच्छा लगता हो, टोडरमल जी की भाषा में कि अहो, है ना, यहां तो मुझे मेरा ही हित भासित होता है, लगता है जब आप वाणी वाणी सुनते हो, जनवाणी की बात सुनते हो, तो आपको अंदर में ये फील आता है कि यहाँ तो मेरा ही हित है। सोचो ना, आचार्यों ने क्यों जनवाणी लिखी? मेरे हित के लिए। देखो आचार्यों ने कितनी करुणा करके मेरा हित का मार्ग बताया। अगर ये अंदर में भाव आ रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट ले जाइए, आप भव्य हैं। लेकिन अभव्य जीव को ये जिनवाणी की बातें अच्छी नहीं लगती, क्या करें, भवितव्य ही है। रावण को भी अपने हित की बात कहाँ अच्छी लग रही थी, समझाने वालों ने समझाई कि नहीं समझाई, अकेला रह गया एंड में, लेकिन फिर भी समझा नहीं। आप देख रहे हो कैसा स्वरूप है, मैंने कैसे हमारा मिथ्या अहंकार है। रावण का सिर्फ एक ही दोष था, देखो परस्त्री सेवन तो उसने किया ही नहीं, ख्याल में आ रहा है, क्योंकि वो सीता जी ने अग्नि का जल होकर के वो सारी बातें सिद्ध कर दी। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब अग्नि का जल हुआ तो अकेला सीता निर्दोष है ये सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है, रावण भी निर्दोष था ये भी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अकेली सीता की पवित्रता थोड़ी ना सिद्ध हुई,
माने बहुत टफ काम है ये, आप सोच नहीं सकते। मैं बार बार कहता हूँ, रावण को जितनी गालियां देते हैं, रावण जैसा छोटे दादा तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आज जैसा हम रावण को गालियां देते हैं, जैसा रावण का घर था, आज एक ऐसा कोई घर ढूंढ कर दिखा दो। क्यों, कैसा घर ढूंढ के दिखा दें कि जहां एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री को हर कीमत पे चाहना चाहता हो, माने माने बिल्कुल ही लट्टू हो, कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शक्ति संपन्न हो, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो, टोकने वाला नहीं हो, और फिर भी वो उसका बलात्कार नहीं करे। बोलो, घर तो छोड़ो, आज कोई ऐसा आश्रम है सुरक्षित? सोचो। और कितने दिन रही, कितने दिन रही? 6 महीने। आप सोच सकते हो, माने कोई भी कामी व्यक्ति होता तो क्या क्या नहीं कर देता। ढूंढ के लेके आओ ऐसा घर। माने आप, मैं भले ही हम उसको कितनी गाली दें, लेकिन उसका ये व्यक्तित्व भी तो हमारे को समझना चाहिए। आपको पता भी होगा, मैं फिर भी बता रहा हूं, ख्याल में रहना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार दशानन ने, अर्थात रावण ने, जो भी नाम कहें आप, उसने केवली के समक्ष शरण में जाकर ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी भी पर स्त्री को जबरदस्ती उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ये उसका नियम था, इसलिए उसने सीता को मनाना चाहा, जबरदस्ती नहीं की। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब सीता की पवित्रता सिद्ध हुई, तो उसमें रावण की पवित्रता भी सिद्ध हो गई। लेकिन रावण का एक दोष पता है क्या है, सबसे भयंकर दोष, अहंकार। रावण जो मारा गया ना, और उसकी जो दुर्दशा हुई ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अहंकार के कारण है। आपको पता है, रावण एंड समय पे जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो वो सीता को देने के लिए तैयार हो गया था, हो गया था तैयार, लेकिन सशर्त। क्या शर्त रखी उसने? शर्त ये रखी कि मैं सीता को तो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक तो उसका नियम था, दूसरा उसने 6 महीने ट्राई कर लिया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 महीने उसने साम दाम दंड भेद सारी, आप देख लो, पुराण पढ़ लो, पद्म पुराण, सारी नीति अपना ली उसने। मैंने प्रेम से भी समझाया, रंग बदल के, रूप बदल के, सब बदल के, सब जैसे भी प्रलोभन हो सकता था। अरे ये छोड़ो, मंदोदरी स्वयं गई थी सीता को समझाने के लिए, पटरानी स्वयं गई समझाने के लिए। सोचो, सोच सकते हो आप, रावण की दशा कैसी हो गई थी? जरा पद्म पुराण में पढ़ो, रविशयन आचार्य ने जो लिखा, थोड़ा जैन रामायण भी जानो भैया, आप देखो उसकी क्या हालत हो रही थी। तो एंड में उसको समझ में तो आ गया कि सीता शीलवान है और ये पतिव्रता है और बहुत उत्तम स्त्री है, ये हमारी बातों में और हमारे बहकावे में नहीं आने वाली है। तो एंड में उसे ये बात तो समझ में आई गई, तो वो सीता जी को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन शर्त ये रखी, मैं सीता जी को दूंगा तो सही, लेकिन पहले राम को युद्ध में हराऊंगा और फिर मैं सीता जी को दूंगा। बोलो, ये कैसा भाव है? यह है मान कषाय। इसमें अपन बड़े हो गए कि नहीं हो गए? देखो, हमने हम जीत गए, अब फिर लाभ ले लो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? भाई भाई से जमीन में विवाद चल रहा है, हाँ, हम दे देंगे, भाई को दे देंगे, लेकिन पहले हम केस जीतेंगे, जमीन अपने नाम करेंगे, और फिर हम वो भाई को दे देंगे। क्या है ये, क्या है ये? रावण की भी यही भूल थी। अगर आप उससे ये नहीं सीख पा रहे हो, तो भी ये पुराण बेकार गए, ये कथा सुनाना बेकार रहा। आप नहीं समझ, ये मान कषाय है। रावण इस मान कषाय के कारण नरक में गया। कुशील तो उसने किया ही नहीं था, और अगर कुशील के भाव करने से वो नरक में गया, तो बस अभी वर्तमान में एक कवि ने तो यहां तक कहा कि जिसके कारण रावण नरक गया, उसको लोगों ने खिलौना बना दिया है। नहीं आया समझ में क्या कहा? आया ख्याल में? मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो थोड़ी ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही, उसका भाव असली है ना। जिसके कारण जगत में तो ये प्रसिद्ध है ना कि रावण पर स्त्री को हरने के कारण नरक में गया,
लेकिन परस्त्री हरण किया और उसका भाव लाया, परस्त्री सेवन थोड़ी ना किया। लेकिन अगर परस्त्री सेवन किया और उसके कारण रावण नरक गया, तो लोगों ने देखो अपने मन में क्या क्या भाव कर रहे हैं, खिलौना बना दिया है परस्त्री संबंधी भाव। तो ये विचार करने की बातें हैं। देखिए आगे, यह सुंदरी मेरा सब अनिष्ट करती है। कौन विचार कर रहा है? बहुधान्यक सुंदरी के बारे में विचार कर। देखो आप देख रहे हो कि कैसी बुद्धि बेकार हो जाती है, बुद्धि पे पत्थर पड़ना समझ में आ रहा है ना? एक तो जिस स्त्री ने त्याग कर दिया वो तुम्हारे लिए भोजन बना रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, तुम्हारा काम कर रही है, और तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा बुरा करने वाली है। बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, और क्या करें। और देखो, और जब यह कुरंगी करती है वह मेरे लिए वैसा अनिष्ट नहीं है। माने कुरंगी जो कर रही है वो सब सही है, और सुंदरी जो कर रही है वो सब गलत है। सुनो नीति, मोह से प्रेरित जो जीव जिसके विषय में विरक्त होता है वह कितना ही भला क्यों ना हो, उसे किसी प्रकार से भी नहीं रुचता है। है नहीं सही बात है कि नहीं है, बोलो। ये नीति सुनकर के अंदर से तुरंत लगता है कि बात तो सही है, पर आप देख लो दुष्ट लोगों को आप कितना भी प्रसन्न करने की कोशिश करो, है ना, 20 साल में जिसको प्रसन्न नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए, आप क्या कर पाओगे, बोलो। पति पत्नियों में आपस में बहुत मनमुटाव बना रहता है, लेकिन विचार करने की बात यह है, अगर पति को ये लग रहा है कि पत्नी ने कुछ नहीं किया, अथवा पत्नी को ये लग रहा है कि पति ने कुछ नहीं किया, तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जिसने 20 साल में आपके लिए अब कुछ नहीं कर पाया, आप उससे क्या इच्छा रख रहे हो? व्यर्थ में कलह क्यों करना, क्लेश क्यों करना? दूसरी बात, अगर वो कर भी रही हो ना, तो भी आपकी बुद्धि पे पत्थर ऐसे पड़ते हैं कि अच्छा करना भी आपको उसका अच्छा नजर नहीं आता। ये सच में ऐसा होता है, आपको प्रैक्टिकल करना हो ना, तो आप किसी व्यक्ति से लड़ लो और फिर आप वो जो कुछ भी कर रहा है करें ना, वो सब बुरा लगेगा आपको। जिस व्यक्ति के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते ना, आप देख लेना, सब देख लेना, जिस व्यक्ति के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते ना, वो अगर अच्छे काम भी करे, जैसे मान लो वो मंदिर आता हो और हम उसे अच्छा नहीं समझते हो, ढोंग है कि नहीं, पूजन करे है, ढोंग ढोंग है, कुछ ख्याल में, अब वो, अरे पूजन करना तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं नहीं हमें वो सब ढोंग नहीं लग आता। तो माने अच्छा व्यक्ति अच्छाई भी करे तो अभी हमारे को कैसा लगता है, बुरा लगता है। मान लो कि दो सब्जी थी, आपके लिए अलग से सब्जी बनाई, तो क्या इन्हें जानबूझ के हमारे लिए अलग से सब्जी बनाई, बुआली नहीं दी हमें। मैंने आपको समझ में आ रहा है, अगर आप बुरा सोचना शुरू कर दो ना, तो आप कुछ भी किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को कैसे भी घुमा फिरा के उस व्यक्ति को बुरा सिद्ध करने लग जाओगे। इससे क्या हासिल होगा भैया, क्या हासिल होगा? खुद कषाय करोगे, दूसरों को कषाय कराओगे, खुद दुखी, कषाय मतलब दुखी, खुद दुखी बने रहोगे कंप्लेन कर करके, और दूसरा भी दुखी बना रहेगा। तो ये सब विचार करने की बातें हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं नीति, मोह से प्रेरित जो जीव जिसके विषय में विरक्त होता है, माने विरक्त होता है माने उसे अच्छा नहीं समझता, बुरा समझता है, बेकार समझता है, वह कितना ही भला क्यों ना हो, उसे किसी प्रकार से भी नहीं रुचता, नहीं अच्छा लगता उसको। आगे बढ़ते हैं, उसे जिस प्रकार वह सुंदर स्त्री प्रिय नहीं थी, उसी प्रकार उसके द्वारा दिया गया पौष्टिक बहुत घी और तेल से संयुक्त सुवर्णमय थाली आदि से सुशोभित वह उत्तम भोजन प्रिय नहीं लगा। सुंदरी नहीं अच्छी लगती थी ना, तो उसका बनाया गया और उसका दिया हुआ भोजन भी कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वह भद्र सुंदरी स्त्री वस्तुतः पुष्टिकारक अतिशय प्रेम करने वाली और उत्तम रूप से शोभायमान थी, लेकिन काम से अंधा हुआ वह बहुधान्यक अज्ञानता के कारण सामने पात्र में परोसे हुए उत्तम भोजन को शीघ्रता से देखता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा, आप देखो, चंद्र के समान आह्लादित करने वाली वह सुंदर स्तनों से संयुक्त कुरंगी मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो गई, जो मेरी ओर निगाह भी नहीं करती है। आपको समझ में आ रहा है क्या क्या विषय चल रहा है? उसे भूख लग रही है, मोह की दशा देखना, भूख लग रही है, सामने उत्तम भोजन है सोने की थाली में, वहां तो थाली भी नहीं बची,
सब बेच खाए, है ना। तो यहाँ तो सोने की थाली में बढ़िया बढ़िया व्यंजन दिए जा रहे हैं और फिर भी वो कैसे लग रही है? अच्छा नहीं लग रहा। ओके, मन में क्या विचार चल रहा है? कुरंगी को क्या हो गया, वो क्यों अपसेट है? आज की भाषा में उसका क्यों मूड ऑफ है? हमने उसके साथ क्या बुरा कर दिया, ये विचार कर रहा है। देखो आगे देखिए, निश्चय से इसने मुझे वेश्या के साथ सोया हुआ जानकर मेरे ऊपर क्रोध किया है। ठीक है, मैं समझता हूं कि संसार में वह कोई वस्तु नहीं है कि जिसे चतुर स्त्री नहीं जानती हो। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार ऊपर मुख करके स्थित चिंता में निमग्न होकर आकाश की ओर देखने वाले उससे परिवार के लोगों ने कहा कि क्या तुम्हें यहां भोजन अच्छा नहीं लगता? परिवार के लोगों ने, माने बीबी ने, बच्चों ने कहा भोजन करिए, अच्छा नहीं बना क्या? नमक ज्यादा हो गया, क्या हो गया? जीमो, सब कुछ मनोहर है, सब कुछ बढ़िया बना है। यह सुनकर वह बोला कि क्या जीमू, जीमने के योग्य कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही मोह की दशा? तुम मेरे लिए कुछ भोजन कुरंगी के घर से लाओ, हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे। अब देख लो, ऐसे ही होता है जगत में, लड़ाई हो जाए, जिससे हमारी लड़ाई हो जाए वो अच्छा भोजन बनाकर भी दे, नहीं हम नहीं खाएंगे, हटाओ, बिन का ले आओ, बिन ने सूखी रोटी बनाई है, हाँ वो ही खा लेंगे। ये त्याग नहीं है, ये मान है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? हमें लगता है कि हम कितने त्यागी हो गए, हमने उत्तम भोजन ठुकरा करके नीरस भोजन स्वीकार कर लिया। ये मान कषाय है, इसे त्याग नहीं बोलते। ये तो अब अपने अभिमान की पुष्टि के लिए तुम ये सारे काम कर रहे हो। देखो अब वो बहुधान्य क्या कह रहा है, सामने इतना अच्छा भोजन है लेकिन कह रहा है ये क्या, ये कोई खाने लायक खाना है? हटाओ इसे, कुरंगी ये घर से लाओ। उसके इस कथन को सुनकर सुंदरी कुरंगी के घर जाकर उससे बोली कि हे कुरंगी, तुम पति के लिए रुचिकर कुछ भोजन दो। इस पर कुरंगी बोली कि तुम्हारे घर पर उसके भोजन को जानकर मैंने आज कुछ भी भोजन नहीं बनाया। अपने लिए तो बनाया ही होगा कि आज खुद का भी उपवास था। यदि वह मेरा पति मेरे द्वारा दिए गए गोबर को खा लेगा तो मेरे विषय में बुद्धि के आसक्त रहने से वह मेरे सब दोष को सह लेगा। ऐसा सोचकर वह एक एक गेहूं के कण से वृद्धिंगत, निंदनीय, बहुत पतले एवं कुछ गर्म और ताजे गोबर को लाई और बोली कि लो इस कड़ी को ले जाकर स्वामी को दे दो। यह कहते हुए उसने उसे एक बर्तन में रखकर सुंदरी को दे दिया। समझ में आ रहा है कहानी, तो ख्याल में आ रही होगी। आगे देखिए, सुंदरी ने उसे लाकर पति के लिए दे दिया। तब वह बहुधान्यक सुंदर भोजन को छोड़कर बार बार प्रशंसा करता हुआ उसको इस प्रकार खाने लगा जिस प्रकार की शूकर अर्थात सुअर अपवित्र विष्ठा को खाता है। ये हालत है, देख रहे हो इस जीव की दुर्दशा। ये दुर्दशा हम सभी की भी है, अपने अपने अलग अलग जगहों में। जब हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम वीतरागी देव को छोड़ करके रागी देव को स्वीकार करते हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि उत्तम भोजन को छोड़ करके हम गोबर खा रहे हैं? कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही कर रहे हैं हम। जब हम सच्ची जिनवाणी को छोड़ करके राग द्वेष की पोषक बातों को, अखबारों को, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो क्या सचमुच ऐसा नहीं है कि हम उत्तम भोजन को, चिन्वाणी को छोड़ करके वहां गोबर खा रहे हैं? विचार करो, बोलो। जब हम स्वाध्याय सुन के छोड़ करके टीवी खोल के बैठ जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि हम उत्तम भोजन को तो ग्रहण नहीं करते लेकिन गोबर के लिए अपना दिमाग खोल के तैयार हो जाते हैं कि आ जाओ भरो, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरो। ये ऐसे ही है जैसे बहुधान्यक उत्तम भोजन को छोड़ करके गोबर खा रहा है। देखो कितनी विचित्रता है।
उस विषयानुरागी ग्राम्यकूट ने यदि गोबर को खा लिया तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? अमित गति आचार्य कह रहे हैं कोई आश्चर्य नहीं, कौन सा आश्चर्य हो गया? कारण कि विषयी मनुष्य तो अपनी स्त्री के योनि द्वार में स्थित घृणित पदार्थों को भी खाया करता है। ठीक है, विरक्त मनुष्य के लिए प्रशंसनीय वस्तु भी निंदनीय प्रतीत होती है, किंतु इसके विपरीत रागी मनुष्य के लिए स्पष्टतया घृणित भी सब कुछ उत्तम प्रतीत होता है। लोक में वह कुछ भी नहीं है जिसे कि स्त्री के वशीभूत हुए मनुष्य ना करते हो। और ये सिर्फ देखो किसी का भी हो, यहां जैसे स्त्री के राग को बुरा बताया जा रहा है ना, ऐसे ही स्त्री का पुरुष के राग को भी बुरा बताया जाता है। माने पुरुष के प्रेम में इतना अंधा हो जाना कि अपना धर्म छोड़ देना, जबकि सात फेरों में ये नियम होता है। आपको ध्यान हो या नहीं हो, ध्यान क्या नियम होता है कि मैं सब जगह आपसे पूछ कर जाऊंगी, सब जगह आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगी, लेकिन धर्म कार्य में नहीं चलेगी। धर्म कार्यों में रोकोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। जबकि आप देख लेना बहुत सारे लोगों को जिनका शादी से पहले हुए खूब धर्म करती थी, और अगर एक गलत माने एक अधर्म व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाए तो फिर देखो उनका कहाँ धर्म भ्रष्ट हो जाता है पूरा। आपको भी लगी जी बेई है, जो बेई है अब क्या करें, बेई है कुछ ख्याल में आ रहा है? तो यहां यही कहा जा रहा है, देखिए वह बहुधान्यक एकमात्र उस गोबर को खाकर ब्राह्मण से अपनी प्रियतमा अर्थात कुरंगी के क्रोध के कारण को पूछने के लिए उद्यत हुआ। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब वो ब्राह्मण के पास जाता है ये पूछने के लिए कि साहब हमें ये बता दो कि मेरी पत्नी गुस्सा क्यों हो रही है। सभा भवन में बैठ गया, उसने ब्राह्मण से पूछा कि हे भद्र, क्या तुम कुछ कह सकते हो कि मेरी प्रिया कुरंगी मेरे ऊपर क्यों रुष्ट हो गई है, अथवा यदि मेरा ही कुछ दुर्व्यवहार हुआ हो तो निश्चय से वह मुझे बतलाओ। अब इस पर वह ब्राह्मण क्या बोलता है और क्या उत्तर देता है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का समय अपना यहाँ पर हो गया। Thank you.